बारे यूनाइटेड ब्रीवरीज पर आपको फोकस रखना है, वो इसलिए इसके तीन बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है और लगभग अब कोविड की जो पाबंदियां हैं वो खत्म होती हुई दिख रही हैं, तो इससे एक बड़ा ट्रिगर इनके लिए बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ट्रैवल्स भी बढ़ेंगे, साथ ही जो जेन एक्स पॉपुलेशन है, जेन जेड और जेन मिलेनियल्स, वहां पर अब आगे चलकर आपको बहुत सारा ट्रैवल देखने को मिल सकता है, इससे इसकी जो बिक्री है वो काफी बेहतर होगी। दूसरा बड़ा पॉइंट, आप देखिए बेहतर मांग को देखते हुए काफी सारी बियर कंपनियां अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो कैपेसिटी रैंप अप हो रहा है, तो उनको डेफिनेटली आगे चलकर जो डिमांड की इंडिकेशंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। तीसरा बड़ा पॉइंट, आप देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जो शांति की बात चल रही है, जो 15-point प्रपोजल्स निकल कर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो बार्ली यानी कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है जिससे बियर बनती है, उसका अब प्राइस जो है रिड्यूस होने की कगार पर है। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल स्तर पर जिस तरह की प्राइसेस इंक्रीज होती हुई दिखी थी, भारत पे भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर बार्ली की कीमत लगभग 60% सालाना आधार पर बढ़ती हुई दिखी थी, पर अब जिस तरह से यहां पर स्थिति जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में बेहतर होती हुई दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन जो है टॉप 5 वर्ल्ड का बार्ली प्रोड्यूसर है, तो यहां पर इससे काफी बड़ा फायदा जो है इनको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी। इनफैक्ट ये जो बेल्जियम बेस्ड ब्रीवरी कंपनी है उनके स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं, भारत में अगर आप देखें तो यहां पर बडवाइजर कोरोना जैसी जो बियर है वो ये बनाती है, और यहां पर आगे आने वाला समर सीजन इनको बेहद पॉजिटिव लग रहा है, तो इसको ये पॉजिटिव कॉमेंट्री है इनकी तरफ से। साथ ही आप देखिए यहां पर गर्मी के महीने में बिक्री का इनका 50% हिस्सा रहता है, तो अगर ये कंपनी ये कह रही है कि इनकी कुल बिक्री का 50% हिस्सा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जितने भी बियर कंपनी है उनकी भी सेल्स का जो है बेहतरीन जो हिस्सा है यहां पर समर सीजन्स में आएगा। इनफैक्ट यही नहीं, जो एक्सक्लूसिव जो पॉइंट है जिस पर मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, मैनेजमेंट टेक ओवर होता हुआ दिखा है 2017 के बाद। आप देखिए यहां पर जब विजय माल्या ने UBL के बोर्ड से इस्तीफा दिया था 2017 में, तो 2018 के मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट किए अप्रैल से लेकर जून तक में, और यहां पर 3 इंस्टेंसेस में बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हुए दिखे हैं। 2018 में आप देखिए करीब 22.5% के रिटर्न्स थे, 2019 में लगभग 4% का फॉल था, हालांकि जून में ये ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था, जिस तरह से फॉल हमें मई में दिखी थी करीब 5% की, पर 2020 और 2021 में आपको 12% और 16% के रिटर्न्स आए हैं, यानी कि बेहतरीन रिटर्न्स आपको अप्रैल से जून के बीच यहां पर यूनाइटेड ब्रीवरीज में देखने को मिल सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि अप्रैल से जून के महीने में यूनाइटेड ब्रीवरीज का स्टॉक बहुत तेजी से, गर्मी से कनेक्शन है।